अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मजेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। पहले मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, उसके बाद इसको बनाएंगे मेरे स्टाइल। आज मैं बना रही हूँ मजेदार सा शक्शुका ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले नोट कीजिए इंग्रेडिएंट्स। अंडे लेंगे हम चार और टमाटर लिए मैंने यहाँ चार और इसको इतना मैंने कट कर लिया है और हरी मिर्चें ली हैं और ये हरी मिर्च मैंने एक ली है। आप चाहे अगर पतली वाली बारीक वाली हरी मिर्च है तो आप दो भी ले सकते हैं। प्याज लिए एक और इसको भी इतना से ना मोटा ना पतला मैंने कट कर लिया है और लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। ये हसब जायका और हसब ज़रूरत ले सकते हैं, वैसे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक लेंगे हसब ज़रूरत और ऑयल लेंगे तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। अब फ्लेम को करेंगे ऑन और मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्राई पैन रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया फिर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज का कलर भी चेंज हो गया, सॉफ्ट हो गई। अब उसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। ये जो टमाटर की जो स्किन है ना वो अलग हो गया इतना भून लेंगे। अच्छा, अब टमाटर को भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, नमक डालेंगे और ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। फिर हम सब्जियों को भून लेंगे। अच्छे सारे मसाले और टमाटर प्याज अच्छी तरह भून चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हमें फ्राइंग पैन पे ना लेयर की तरह फैला देना। अच्छी तरह ये लेयर जो है वो लग गई है फ्राइंग पैन पे। अब इसके ऊपर हम डालना शुरू करेंगे अंडे। अब मीडियम फ्लेम पे अंडों को कुक करना है। चाहे तो ढक के आप कुक कर सकते हैं और चाहे तो बगैर ढके भी कर सकते हैं। ये शक्शुका बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, मजेदार शक्शुका तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।